जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए चर्चा करते हैं तारीख 16/2/2024 बारह राशियों के विषय पर। सबसे पहले मेष राशि वाले व्यक्ति, आज आप नौकरी सरकारी से संबंधित कोई भी योजनाएं आपके मन में आएंगी, आप उस कार्य को सिद्ध संपन्न कर सकते हो और आज का दिन आपके लिए 85% श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। दूसरी राशि है वृक्ष राशि वाले व्यक्ति, आज आप घर परिवार वालों की जिम्मेदारी को निभा सकते हो, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और करियर को लेकर कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो। तीसरी राशि है मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आज आपके लिए मांगलिक कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, विवाह इत्यादि से संबंधित अथवा कोई शुभ कार्य से संबंधित। चौथी राशि है कर्क, कर्क राशि वाले व्यक्ति या कर्क लगन वाले जातक, आज आप भाग्य का उदय नए पद की प्राप्ति हो सकती है। पांचवी राशि है सिंह राशि वाले व्यक्ति, आज के लिए आपको कोई ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जुड़ सकते हो जो कि कोई बड़ी शिखर की ओर जा सकते हो या अटका हुआ काम आपका बरसों का पड़ा हुआ संपन्न होगा। छठवीं राशि कन्या राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम होगा, स्त्री पक्ष से कलह की स्थिति किसी बात को लेकर अनायास अचानक बढ़ सकती है। सातवीं राशि है तुला राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम होगा, मानसिक तनाव बेचैनी किसी बात को लेकर दिन में रह सकती है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, कृषि भूमि आदि से संबंधित आप व्यापार करते हैं या प्लॉटिंग का कार्य श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। नवम राशि धनु राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम होगा, दुकान व्यापार इत्यादि जो भी आप करते हो वह श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। दशम राशि मकर राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आज आप कोई कंक्रीट उद्योग जगत आदि से संबंधित व्यापार करते हैं तो सफल होंगे, या आप क्रशर या ट्रक इत्यादि मोटर वाहन से संबंधित व्यापार करते हैं तो श्रेष्ठतम उत्तम रहने वाला है। बारहवीं राशि है मीन राशि वाले व्यक्ति, आज विद्याध्ययन सरकारी क्षेत्र से सफलता हाथ लग सकती है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अटका हुआ काम सिद्ध और संपन्न होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।